तो पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस की थी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की, एंड आई होप अब तक आपने उसकी दो तीन बार प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको वो सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ भी आ गए होंगे और उनको बोलना कैसे है वो भी आ गया होगा। तो अब इस वीडियो में हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। एक स्टेप और आगे मीन्स पिछली कॉन्वर्सेशन में आपने देखा था कि दो फ्रेंड्स ने एक जगह किसी कैफे में मिलने की प्लानिंग की थी, तो आज हम उसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे कि अब वो जब एक रेस्टोरेंट या एक कैफे में मिलते हैं तो दोनों किस तरह से बातचीत करते हैं। सो आई थिंक इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब नहीं किया तो यू प्लीज डू दैट। एंड इन अदर थिंग, आज मैं आपसे वीडियो शेयर करने के साथ साथ एक और चीज बोलूंगी कि आप इस वाली आज वाली कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस, या तो अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई प्लान है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने का, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें और उनको बोलें कि ये वीडियो देख कर आए ताकि हम इस तरह से इंग्लिश में आज बात करने की प्रैक्टिस कर सकें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर पर ही अपने किसी भाई बहन, अपने मम्मी पापा, किसी के भी साथ इस कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस। सो नाउ यू, द टॉपिक फॉर टुडे इज कॉन्वर्सेशन इन अ रेस्टोरेंट, और टेबल पर बैठकर आप एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारी सेहत कैसी है? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? Your turn. अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। Now I'm perfectly fine. Now I'm perfectly fine. चलो कहीं बैठते हैं। Let's sit somewhere. Your turn. हाँ बिल्कुल। Yes sure. Yes sure. You speak now. उस टेबल पर चलते हैं, वो बिल्कुल एकांत में है। उस टेबल पर चलते हैं, वो बिल्कुल एकांत में है। Let's go to that table that is secluded. Let's go to that table that is secluded. So कोई चीज अगर बिल्कुल अकेली या एकांत में है तो उसे हम secluded बोलते हैं। You do practice now. मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। Yes, I totally agree. Yes, I totally agree. You speak now. तो चलो वहां बैठते हैं। So let's sit there. So let's sit there. Your turn. आप क्या लेना पसंद करेंगे? What would you like to have? What would you like to have? Your turn. कुछ भी ज्यादा मसालेदार और तला हुआ नहीं, बिल्कुल सिंपल। Nothing very spicy or oily, just something very simple. Your turn. ठीक है तो सैंडविच और कॉफी कैसी रहेगी? ऑल राइट, हाउ अबाउट अ सैंडविच एंड अ कॉफी? ऑल राइट, हाउ अबाउट अ सैंडविच एंड कॉफी? जस्ट सी, आई एम स्पीकिंग सैंडविच, इट्स नॉट सैंडविच, इट्स सैंडविच, दिस इज प्रो टिप। यू स्पीक नाउ। हां वो ठीक रहेगा। हां वो ठीक रहेगा। Yes, that will be absolutely fine. Your turn. ठीक है, मैं अपने लिए भी वही ऑर्डर करूंगी। Okay, fine. I'll also order the same for myself. Okay, fine. I'll also order the same for myself. Pro tip, I'm not saying I will. I'm saying I'll. So if you want to sound fluent, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो आप इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दें। आई विल, आई शेल को अलग अलग ना बोलकर उसको कंबाइन करके आयल बोलें। अगर आप आयल बोलेंगे तो आप ऑब्वियसली फ्लुएंट लगेंगे। सो नाउ यू स्पीक दिस सेंटेंस।
तो लाइफ कैसी चल रही है. वेल हाउ इज द लाइफ गोइंग. वेल हाउ इज योर लाइफ गोइंग. यू स्पीक नाउ. सब ठीक है बट बदलते मौसम की वजह से मैं थोड़ी बीमार हो गई थी. रेस्ट इज फाइन ओनली एज आई टोल्ड यू आई वॉज जस्ट अंडर द वेदर. रेस्ट इज फाइन जस्ट एज आई टोल्ड यू आई वॉज जस्ट अंडर द वेदर. योर टर्न. कौन से डॉक्टर को दिखाया. विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट. Which doctor did you consult? You speak now. वही अपने फैमिली डॉक्टर को. जस्ट माई फैमिली डॉक्टर. जस्ट माई फैमिली डॉक्टर. यू स्पीक नाउ. ओ तो खाना आ गया. सो द फूड इज देयर. सो द फूड इज देयर. Pro tip, don't say there. It is there. Last के R, R sound को हम silent रखते हैं तो हम इससे भी fluent लगेंगे. The food is there. So do practice like this. Wow, देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है. Wow, it seems to be delicious. It seems to be delicious. Your turn. हाँ इस कैफे में बहुत अच्छा खाना मिलता है. Yes, this cafe serves savory delicacies. अगर हमने पहले सेंटेंस में delicious बोला था तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. हम नेक्स्ट सेंटेंस में कोई और वर्ड बोलेंगे. तो savory वर्ड को भी आप delicious की जगह पर यूज कर सकते हैं. खाने पीने की चीजों के लिए आप delicacies वर्ड यूज कर सकते हैं. ये है pro tip. तो अब आप प्रैक्टिस करें सेंटेंस की. और हाँ यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है. एंड येस द एम्बियंस इज ऑल्सो वेरी गुड. एंड येस द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी गुड. यू रिपीट दिस. तो ठीक है अब मैं चलती हूँ. ओके फाइन नाउ आई टेक योर लीव. ओके फाइन नाउ आई टेक योर लीव. प्रो टिप, अगर आपको किसी से जाने के लिए परमिशन लेनी है तो आप बोलेंगे आई टेक योर लीव. डू प्रैक्टिस ऑफ दिस सेंटेंस. ठीक है फिर जल्दी मिलते हैं. ओके फाइन सी यू सून. ओके फाइन सी यू सून. वीडियो में हमने 22 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है. अब वो आपके ऊपर है कि आपको उसमें से कितने याद हैं और कितने नहीं. अगर आपको सारे याद हैं तो एक बार अपने घर में या अपने किसी फ्रेंड के साथ आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करें. और मैं फिर से बोलूंगी कि इस वीडियो में भी मैंने पिछली वीडियोस के कुछ सेंटेंसेस को रिपीट किया है. आप उन्हें फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से लिखकर बता दें. और कोई डाउट अभी भी आपके माइंड में आ रहा है तो यू कैन जस्ट आस्क दैट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से. इफ यू वॉन्ट टू गिव मी सजेशंस दैट यू वॉन्ट वीडियोज ऑन दिस टॉपिक सो आई विल वेट फॉर योर सजेशंस एंड see you in the next video. So if you have not subscribed to the channel yet, please do that and share this video and don't forget to like it also. Thank you so much.